अरे रामी, तुमने इतना अच्छा मशवरा मुझे दिया, तुम्हें पता है मैंने जैसे ही सितारा बेगम से बात की वो तो फौरन ही मान गई। मैंने आपको कभी कोई गलत मशवरा दिया है? आप ही मुझसे गैरों जैसा सलूक करती हैं, ना ही कभी मेरी तारीफ करती हैं, ना ही कोई इनाम देती हैं। अरे बस अरसल के आने की देर है, जब अरसल हमारे घर आ जाएगा ना फिर पैसे भी आने शुरू हो जाएंगे, फिर मैं तुम्हें महीने में कुछ ना कुछ दे ही दूंगी। ये कुछ ना कुछ क्या होता है, और अरसल की वापसी का क्यों वेट करूं मैं? सज्जाद जो आपको पैसे देकर गया है उसमें से 5-7 हजार दे देना मुझे भी। अब सज्जाद को इतने पैसे नहीं देके गया मैं, उसमें से तुम्हें भी दे दूं। अम्मी झूठ उससे बोला करें जो आपको जानता ना हो। मुझे पता है कि सज्जाद आपको ना ठीक ठाक रकम देकर गया है, और वैसे भी मैं आपसे कोई ज्यादा पैसे नहीं मांग रही। तुम्हारा बस चले ना तो तुम तो पूरी दुनिया के पैसे इकट्ठे करके अपने पास रख लो, 5 हजार से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगी तुम्हें। आइंदा मैं आपको कोई मशवरा नहीं दूंगी, पड़ी रहे अकेली और अपना दिमाग चलाए। 7 हजार दूंगी और लेके मर जाना। 7 हजार लेके भी खुश नहीं होने वाली तुम, रोती रहोगी लालची औरत। जी ठीक है, ओके, समझ गया, मैं समझ गया। चलिए आप फिर मुझे बता दीजिएगा। ओके। क्या कहा वकील ने, क्या बात हुई तेरी? वही कहा मी जो सब वकील कहते हैं, फिक्र ना करें कि सीधा है, बहुत जल्द जीत जाएंगे। हाँ तो फिर क्या मसला है, तू दावा दायर कर देना। मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता। तू यहाँ बैठकर चिल्ला काटेगा और तुझे लगता है कि अरसल भागा दौड़ा आएगा तेरे पास, है ना? मैं सोच रहा था एक बार नौशीन से बात करके देखो, शायद वो कुछ कहे बगैर मुझे अरसल से मिलने। सजाद तूने 5 साल दुबई में क्या सिर्फ घास खो दी है? मेरे बच्चे वो ऐसा कभी नहीं होने देगी, नहीं मिलने देगी तुझे अरसल से। जान है उसकी अरसल में, तुझे पता है वो तो अरसल की खातर अपना ससुराल तक छोड़ने को तैयार थी। क्या मतलब, आपको ये सब कैसे पता? भाई उनके घर में रही हूं ना मैं कुछ दिन, मैंने चुपके चुपके उन दोनों की बहुत बातें सुनी है। रामीन और भाभी हर वक्त यही बातें करते थे, बड़ी मुश्किल से राजी किया था उन्होंने नौशी को कि वो किसी तरह भाभी के घर छोड़ दें अरसल को, वरना वो कहां खुद से दूर करने वाली थी उसे, कभी नहीं मानने वाली वो। अम्मी तो फिर ये क्या जुल्म नहीं होगा अगर मैं एक माँ को उसके बच्चे से अलग कर दूं? अच्छा तो क्या ये जुल्म नहीं है, एक सगे बाप को उसके बच्चे से दूर किया जाए? भाई ये घी जो है ना सीधी उंगलियों से निकलने वाला नहीं है, मैं तुझे बता रही हूं, इसके लिए तुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। सोचूंगा। तू बस सोचता ही रहना और चिड़िया जो है ना खेत चुग जाएंगी। सोचता हूँ सोच सोच में जिंदगी गुजर गई।